नेक्स्ट स्टेप प्राइवेटाइजेशन कर दी गई, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेजेस, जिसमें पहला एडवांटेज है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्राइवेटाइजेशन का एक बेनिफिट ये भी हुआ कि जो एक्सपर्ट्स हैं इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग, उनकी सर्विसेज ली गई बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए, बैंकिंग के सिस्टम को बेहतर करने के लिए, प्रॉफिट अर्निंग को बढ़ाने के लिए। तो ज़्यादा जो बेहतर तरीके से है मैनेज किया गया बैंकिंग सेक्टर को। तो पहला एडवांटेज इसका यही है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट की सर्विसेज ली गई, एक्सपर्ट्स की सर्विसेज ली गई, जिन्होंने बिजनेस को ज़्यादा बेहतर तरीके से रन किया। तो ये सबसे पहला एडवांटेज है। सेकेंड इज़ द हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन क्रिएट हो गया क्योंकि हर बैंक अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा था, तो कंपटीशन से कस्टमर को बेनिफिट हुआ। एक तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आई, दूसरा लो जो है वो चार्जेस के ऊपर, एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बेहतर हो गई। तो ये सारे बेनिफिट थे हेल्दी कंपटीशन के। तो हेल्दी कंपटीशन जो है वो जनरेट हो गया, जिससे कस्टमर्स को बेनिफिट जो है वो पहुंचा। नेक्स्ट वन इज़ ऑपरेशनल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव की बैंक्स की, जिसमें एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स लिए गए, लाइक रीजनेबल पे एम्प्लॉयज़ को पे की गई, प्रोमोशन फैसिलिटीज़ दी गई, इसके अलावा अदर फैसिलिटीज़ दी गई ताकि वो बेहतर तरीके से काम करें। उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उनके लिए जो है वो चलाए गए, जिससे जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव की मैनेजमेंट की भी और एम्प्लॉयज़ की भी और ओवरऑल बैंक्स की। तो ये भी एक बेनिफिट है प्राइवेटाइजेशन का। नेक्स्ट इज़ रीजनेबल प्रॉफिट। अब क्योंकि कंपटीशन एग्जिस्ट करता है तो उन्होंने प्रॉफिट को रीजनेबल रखा। रीजनेबल प्रॉफिट जो है वो पे किया अपने कस्टमर्स को, इसी तरह से लोन्स के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज किया वो भी रीजनेबल रखा। तो ये भी एक बेनिफिट है प्राइवेटाइजेशन का। नेक्स्ट है क्वालिटी सर्विसेज। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि प्राइवेटाइजेशन की वजह से क्योंकि कंपटीशन क्रिएट हो गया था, तो कंपटीशन में एग्जिस्ट करने के लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर और क्वालिटी सर्विसेज और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑफर की गई कस्टमर्स को। तो कस्टमर्स के लिए भी बेनिफिशियल थी ये चीज़ कि क्वालिटी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं एज़ कम्पेयर टू नेशनलाइज्ड बैंक। तो ये भी एक बेनिफिट था। नेक्स्ट है इक्वल इनकम। प्राइवेटाइजेशन करते हुए जो शेयर्स हैं उन्हें जनरल पब्लिक को सेल किया गया, जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स थे वो मिलियंस में थे। तो इस तरह से जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो भी जब उनके दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सबको मिलेगा। तो इस तरह से एक तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई इनकम की। नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्टिव लोन्स। जो लोन्स थे वो प्रोडक्टिव पर्पजेस के लिए इशू होने लगे, और प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद, सिक्योरिटी लेने के बाद जो लोन्स हैं वो इशू किए गए, जिससे रिस्क ऑफ लॉस जो है वो कम हो गया और जो अनप्रोडक्टिव यूज़ है, स्पेकुलेटिव पर्पजेज़ हैं, उनके लिए लोन्स जो है वो इशू नहीं कर रहे थे प्राइवेट बैंक्स। तो ये भी एक बेनिफिट है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ज़्यादातर जो प्राइवेट बैंक्स हैं क्योंकि बिजनेसेस को प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लोन्स इशू कर रहे थे, तो जो बिजनेसमैन हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे इंडस्ट्रीज या बिजनेसेस जब ओपन करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी पब्लिक के लिए। तो ये भी एक बेनिफिट है। नेक्स्ट है सिक्योर्ड लोन्स। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि प्राइवेट बैंक्स जो भी लोन्स इशू करते हैं वो अगेंस्ट सिक्योरिटी करते हैं और प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद, तो अनसिक्योर्ड लोन्स कम हो गए जिसकी वजह से रिस्क ऑफ लॉस कम हो गया। एंड द लास्ट वन इज़ अर्निंग द फॉरेन एक्सचेंज। जो फॉरेन ब्रांचेज हैं वो भी ओपन की गई, इसके अलावा फॉरेन ब्रांचेज की जो परफॉर्मेंस है वो पहले ज़्यादा बेहतर हो गई, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजिशन भी बेहतर हो गई कंट्री की। तो ये भी बेनिफिट है प्राइवेटाइजेशन का। नेक्स्ट है जी डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट है सरप्लस एम्प्लॉयज। जितने भी एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज थे उनको निकाल दिया गया, जॉबलेस हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उन्होंने कम एम्प्लॉयज़ को रखा लेकिन एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को रखा, तो मेजॉरिटी जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गई। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। सेकेंड इज़ नो ब्रांच इन रूरल एरियाज। प्राइवेट सेक्टर ज़्यादातर ब्रांचेस सिटीज़ के अंदर ओपन करना पसंद करते हैं, जिसकी रीज़न क्या होती है कि वहाँ पे डिपॉजिट्स अवेलेबल होते हैं जिसे वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो रूरल एरियाज़ के अंदर कोई भी ब्रांच ओपन नहीं की गई, तो ये इसका डिसएडवांटेज है।
नेक्स्ट है अनबैलेंस ग्रोथ। प्राइवेट सेक्टर क्योंकि अपना बेनिफिट देखता है तो लोन्स वहाँ ही देता है जहाँ पे इनको प्रॉफिट नज़र आता है, तो उन सेक्टर में तो लोन दे दिए गए लेकिन जो बाकी सेक्टर थे वो निगलेक्ट हो गए, तो अनबैलेंस ग्रोथ हो गई। कुछ सेक्टर्स में तो लोन्स इशू हुए, बाकी सेक्टर अंडर डेवलप रहे, तो ये जो है वो डिसएडवांटेज है इसका। नेक्स्ट है जॉब्स फॉर रिलेटिव्स। जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती थी बैंक के अंदर वो अपने ही रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को वो ऑफर कर देते थे या फ्रेंड्स वगैरह को, तो इस तरह से जो लोग डिजर्व करते हैं, जो एलिजिबल हैं, वो निगलेक्ट हो जाते थे, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है लोन्स टू रिलेटिव। लोन्स भी जो इशू किए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, ज़्यादातर जाने वालों को, रेफरेंस पे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को इशू होते हैं, जिसका रिजल्ट क्या है कि जो जहाँ देने चाहिए लोन्स वहाँ इशू नहीं हो रहे, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। एंड द लास्ट वन इज़ ऑनर्स एसोसिएशन। क्योंकि ऑनर्स एसोसिएशन है वो अपने प्रॉफिट से गर्ज रखता है, हाई प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो रिजल्ट क्या है कि जो ज़्यादा सर्विस चार्जेस है वो कस्टमर से चार्ज किए जाते हैं, उन्हें कस्टमर की परवाह नहीं उन्हें होती है, अपने पर्सनल इंटरेस्ट की होती है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है।